मंत्रियों के नामों से लेकर सारी गतिविधियां उत्तर प्रदेश की राजधानी में जो चल रही हैं वो साफ। यानी अपडेट तो सीमा आपने दे दिया, आपने बता दिया, हमारे रिपोर्टर सबसे पहले जानकारी मुहैया करा रहे हैं दर्शकों को, हम जानते हैं। देखिए लोक भवन में पहुंच चुके हैं, तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं, मेरे ठीक पीछे लोक भवन है जहां पर ये मीटिंग हो रही है, बहुत ही अहम मीटिंग हो रही है, विधानमंडल दल के नेता चुने जाने की यहां पर मीटिंग हो रही है। लेकिन सीमा दर्शक, भारत समाचार के दर्शक ये जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस खबर पर, ऐसा हो सकता है कि 20 मिनट बाद आए, ये सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ अमित भाई शाह, ये सारे लोग टाइमली पहुंच गए थे यहां से थोड़ी दूर पर ही, यानी क्या बगल के ऑफिस में, यानी बीजेपी दफ्तर में ये लोग 4 बजे पहुंच गए, लेकिन यहां से जाने में 1 घंटा लग गया। क्या यहां पर कोर ग्रुप की बैठक हो रही थी, किस बात को लेकर मंत्रणा हो रही थी, क्या जानकारी आपको मिली है? देखिए कुछ नाम ऐसे हैं मंत्रियों के जिनको लेकर सहमति नहीं बन पाई थी, या ये कहिए कि तालमेल फिलहाल नहीं बन पाया था, तो उन सब चीज़ों को लेकर जो है वो मंथन किया गया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डिप्टी सीएम के तमाम नामों को लेकर चर्चा जो की जा रही थी, तो उनके भी नाम जो है वो फाइनल मोहर लगनी थी कि इन नामों को जो है वो ऐलान किया जाना है। केशव प्रसाद मौर्य जब अभी उतरे हैं साथ में गाड़ी से, आपने तस्वीर में देखा होगा कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे, और उनके चेहरे पर खुशी साफ तौर पर झलक रही थी कि मुस्कुराते हुए वो थे। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी साथ में थे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का जो चेहरा था वो अलग खिला हुआ था, उनके चेहरे पर अलग खुशी जाहिर हो रही थी। तो ये तस्वीरें भारत समाचार ने दिखाई दर्शकों को। और रही बात 4 बजे पहुंचने की भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, तो वहां पर कई नाम ऐसे थे कि जिन पर मंथन किया जा रहा था कि किन किन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, ताकि जो है वो बैलेंस बना रहे 2024 को लेकर, जो चुनाव होने वाले हैं जातीय समीकरण साध लिया जाए, और साथ ही साथ दूसरी जो दीगर चीजें हैं क्षेत्रीय समीकरण साधना है, और जो चुनाव होने वाले हैं 2024 के, उसको लेकर जो है वो किस तरह से आगे बढ़ना है, इन सब चीजों को लेकर बातचीत जो है वो हो रही थी। और अब लगभग नाम सभी के सभी जो है वो फाइनल हो चुके हैं, और कल इन्हीं सब चीजों को लेकर वो शपथ ली जाएगी, गोपनीयता की शपथ ली जाएगी, पद की शपथ ली जाएगी, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके जो कैबिनेट है वो पूरी तरह से शपथ लेने का काम करेगी। यानी फाइनली बैठक शुरू हो गई सीमा? जी बिल्कुल, बैठक का सिलसिला शुरू हो गया है, और थोड़ी देर में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो है वो भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा, और उसके बाद सभी लोग एक दूसरे को बधाई देने के बाद मुख्यमंत्री यहां से सीधे राजभवन के लिए रवाना होंगे, और वहां पर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे राहुल। बिल्कुल, यानी अब से जैसे ही उन्हें विधानमंडल दल का नेता चुन लिया जाएगा वो सीधे राजभवन जाएंगे और राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, और वो भी ये दावा पेश करेंगे कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया है, वो भी ये बताएंगे। उसके बाद राज्यपाल उन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण देगी। तो लगातार जानकारी, और भारत समाचार आपको सबसे पहले जानकारी। देखिए लोक भवन सीधे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहीं बैठक चल रही है, बंद कमरे में बैठक। हालांकि 1.25 घंटा की देरी से बैठक शुरू हुई, जो तय समय था वो 4 बजे का था, 4 बजे विधानमंडल दल की बैठक शुरू हो जानी थी, लेकिन यहां से ठीक बगल की बिल्डिंग में, जिसे 7 विधानसभा मार्ग कहते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है, वहां पर अमित शाह अपने कोर ग्रुप के साथ एक बहुत ही अहम बैठक कर रहे थे। यानी कौन कौन मंत्री बनेगा, कुछ पेच अभी फंसा हुआ है, कौन कौन मंत्रिमंडल में जगह लेगा, कुछ नामों के ऐलान हो रहे थे, कुछ नामों के हो सकता है कुछ लोगों के नाम कट रहे हो। एक चीज लेकिन पॉजिटिव बात यहां सामने आई है, सीमा आपने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर मुस्कान थी, अलग मुस्कान थी। हालांकि भारत समाचार ने 2 घंटे पहले ही सबसे पहले ब्रेक कर दिया था कि नो कंफ्यूजन नो मिस्टेक, आप लोग कहते रहिए कि 3, 4, 5 डिप्टी सीएम, भारत समाचार ने बता दिया था ओनली 2 डिप्टी सीएम, यानी जो पहले थे वही रिपीट कर रहे हैं, और जो मंत्री जीत गए हैं उन्हें जाहिर सी बात है मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, यानी कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं देखने को मिलेगा। तो भारत समाचार पर आप सबसे पहले और सबसे आगे होते हुए जानकारी ले रहे हैं, मेरे ठीक पीछे आप विधान
सभा देख रहे हैं जहां पर जाना है इन सभी लोगों को। और ठीक पीछे लोक भवन, ये जो बड़ी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये हाईटेक स्टूडियो से भारत समाचार के, यहीं पर ये बैठक हो रही है। और आपको सायरन की बहुत सारी आवाज सुनाई दे रही होगी, लगातार यहां से लोग जा रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं लोक भवन, चूंकि वहां पर मीटिंग अब से शुरू हो चुकी है। वहां आप जान लीजिए कि अब से थोड़ी देर में ही ये ऐलान कर दिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश के जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं वो विधानमंडल दल के नेता हैं, उसके पश्चात योगी आदित्यनाथ ये पत्र लेकर जाएंगे कि वो विधानमंडल दल के नेता हैं बीजेपी के, चूंकि उन्हें चुन लिया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, प्रस्तावक के तौर पर सुरेश कुमार खन्ना और उनके साथ तीन और लोग हैं, कुल चार लोग हैं, वो लोग ये प्रस्तावना रखेंगे कि हम उत्तर प्रदेश के जो कार्यवाहक मंत्री हैं, कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, उन्हें विधानमंडल दल का नेता मानते हैं। उसके बाद यहां पर, यहीं पर ठीक पीछे जो देख रहे हैं, यहीं पर जो सारे 255 विधायक बैठे हैं वो कहेंगे एग्री, हम सहमत हैं, हम अपना नेता उत्तर प्रदेश के जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इनको मानते हैं। ये लोग कहेंगे जैसे ही सर्वसम्मति से वो लोग कहेंगे, यानी फाइनली योगी आदित्यनाथ विधानमंडल दल के नेता चुन लिए जाएंगे। ये एक औपचारिकता है, ये एक परंपरा है लोकतांत्रिक प्रक्रिया की। और इसमें कुल 15 वरिष्ठ विधायक प्रस्तावक के तौर पर है, चूंकि यही लेटर तो लेकर उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल के पास जाएंगे, यही लेटर, चूंकि इसी में होगा कि उन्हें विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया है ये बता दिया जाएगा। तो सारी प्रक्रिया शुरू हो गई है, बंद कमरे के अंदर मीटिंग चल रही है। हमारे तीन संवाददाता लोक भवन के अंदर मौजूद हैं, हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह हैं जिन्होंने तमाम एक्सक्लूसिव खबरें आपके सामने सबसे पहले रखी, हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे हैं और सीमा नकवी हैं, और मैं भारत समाचार की हाईटेक स्टूडियो से लोक भवन, मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, यहां से आपको पल पल की जानकारी दे रहा हूं। अभी तक क्या हो रही है, क्या जानकारी मिल रही है, सब कुछ आपको हम सबसे पहले बता रहे हैं। अभी वहां पर इस बात को लेकर मंत्रणा हो रही है, चूंकि प्रस्तावना रखेंगे सुरेश कुमार खन्ना, अंदर से इस बात की प्रस्तावना रखेंगे कि यह सदन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के नेता के तौर पर योगी आदित्यनाथ का नाम आगे रखता है। जैसे वो ये कहेंगे, उनके साथ तीन वरिष्ठ और मंत्री हैं, उसके बाद बाकी जो वहां पर जो और विधायक बैठे हुए हैं, मौजूद हैं, वो इस पर सहमति जताएंगे। जैसे ही सभी लोग सहमति जताएंगे, उन्हें विधानमंडल दल का नेता चुन लिया जाएगा। हालांकि ये भी औपचारिकता है, लेकिन ये करना पड़ेगा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक बहुत ही मूल हिस्सा है ये चीज। चाहे वो कोई भी दल हो, कहीं पर भी हो, किसी भी राज्य में हो, ये बेसिक परंपरा है, इसे निभाना पड़ता है। तो ये जान लीजिए, हमारे कई संवाददाता वहां से आपको अपडेट दे रहे हैं, उनसे भी जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन भारत समाचार आपको सबसे पहले जानकारी दे रहा है। और एक चीज और, यहां से थोड़ी दूर नहीं बल्कि अगली बिल्डिंग 7 विधानसभा मार्ग, जो कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है, यहां पर 4 बजे जब अमित भाई शाह पहुंच गए तो यहां से पैदल चलने में महज 3 मिनट का रास्ता है, उन्हें 1.25 घंटे क्यों लगे? क्या यहां कोर ग्रुप की बैठक हो रही थी? क्या यह निर्णय लिया जा रहा था कि कल कौन कौन शपथ लेगा? ये बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी है, हमारे संवाददाता लगातार दे रहे हैं, और उनसे जानेंगे कि अभी क्या अपडेट है, वहां से क्या मिल रहा है। फिलहाल भारत समाचार पर आपको सबसे पहले और एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है। ठीक पीछे ये लोक भवन, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यही वो लोक भवन है जहां पर मीटिंग हो रही है। आप बिल्डिंग देख रहे हैं, साफ तौर पर यहीं पर मीटिंग हो रही है। तो बिल्कुल अभी जानकारी मिली है कि मीटिंग में इस बात पर प्रस्तावना रख दी गई है, सुरेश कुमार खन्ना की तरफ से ये प्रस्तावना रख दी गई है कि वो बीजेपी के विधानमंडल दल के नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश के जो
जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ को मानते हैं, ये प्रस्तावना रख दी गई है। अभी अभी जानकारी मिली है हमारे रिपोर्टर्स के द्वारा कि ये रख दिया गया है, वहां पर यह बात कह दी गई है। लगातार समाचार पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, सारे लोग बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं लोक भवन के अंदर, ये तस्वीरें देख रहे हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। भारत समाचार पर आपको सबसे पहले जानकारी एक्सक्लूसिव तौर पर मिल रही है। ये सभी लोग बैठे हुए हैं, जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। और एक बार फिर से हमारे साथ हमारे रिपोर्टर सीमा नकवी जुड़ गए हैं। सीमा, कोई अपडेट बताइए दर्शकों को हमारे। चालू हो चुकी है और मुख्यमंत्री योगी